हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ शिवांगी। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो है 7th of August का। उस दिन गणेश चतुर्थी की पूजा थी। गणेश चतुर्थी, गणेश चौथ, संकष्टी गणेश चतुर्थी, अलग अलग नामों से जाना जाता है ये फेस्टिवल। और ये बेसिकली बिहार और यूपी के साइड होता है। तो इसमें पूरा दिन हमारा फास्ट रहता है, निर्जला फास्ट रहता है। और रात में ही हम पूजा करने के बाद, चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही हम कुछ खा पी सकते हैं। मतलब कुछ भी, जैसे फ्रूट्स और वो सब खा सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। तो बस यही हम लोग का फास्ट, मेरा फास्ट था। तो यहाँ मैं पूजा की तैयारियाँ कर रही हूँ। और पूजा की तैयारियों में मैं सारे फ्रूट्स और ये सब धुल के रख रही हूँ। पूजा के बर्तन मैंने धुल लिए थे, मतलब लगभग सारी तैयारी हो चुकी थी। अब मेन तैयारियां करना बाकी है, तो वही मैं कर रही हूँ। यहाँ पे सारे फ्रूट्स धुल लूंगी, फ्लावर्स वगैरह, जो जो चीज़ें हमें पूजा में यूज होनी है, जो हम वॉश करके रख सकते हैं, हम वो वॉश कर लेंगे सारी चीज़ें अच्छे से। तो ये जो फास्ट होता है, ये बच्चों के लिए रखा जाता है। सारी मम्मियाँ अपने बच्चों के लिए फास्ट रखती हैं। बस यहाँ पे सारी चीजें मैंने एकदम अच्छे से साफ सुथरी करके धुल के रख ली हैं। इस पूजा, ये पूजा गणेश जी की होती है। गणेश जी का व्रत होता है, जैसे कि नाम से पता ही चल रहा है। और इसमें बस गणेश जी की पूजा की जाती है। यहाँ मैंने चौक बनाया है, और किस तरह बनाया है वो भी आप देख लीजिए। तो यहाँ पर मैं आलता लगा रही हूँ। आलता सभी लोग जानते हैं, सभी लोग, मोस्टली लोग जानते हैं, यूज करते हैं आलता, या कलर, या महावर, जो भी बोला जाता होगा आप क्या। मैं वो लगा रही हूँ क्योंकि पूजा वगैरह में या कुछ भी होता है फेस्टिवल, तो उसमें बहुत शुभ माना जाता है। तो इसीलिए मैंने दोनों पैरों में अपने आलता लगा लिया है, और मुझे जैसे आता था मैंने वैसे लगा लिया है। तो यहाँ गणेश जी को मैंने पीढ़ा या चौकी उस पर बैठा दिया है। उनको जनेऊ और उनको वस्त्र पहनाकर, चुन्नी वगैरह हमने बाहर से मंगाना भेजा था मैंने मंगाने के लिए, बट वो मिली ही नहीं, तो क्या बताऊँ मैं। जो चीज़ अवेलेबल थी मैंने उससे उनको उढ़ा दी है चुन्नी, और आसन उसी से बना दिया है। बस इस तरह हम सिंपली, जैसे सभी लोग पूजा करते हैं, वैसे ही मैंने भी पूजा की है। फूल चढ़ा दिए हैं, फल चढ़ा दिए हैं, तो इसी तरह सारी पूजा हमने की थी। इसमें रामदाने के लड्डू भी चढ़ते हैं, लेकिन वो अगेन मिले नहीं। तो फिर मम्मी लोग ने कहा, सब लोगों ने, कि ठीक है फ्रूट से ही कर लो, तो मैंने फ्रूट्स ही यूज़ कर लिए थे। Thank you.
बहुत स्वागत है। तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और हमारा व्रत बहुत अच्छे से हो गया। रात में चंद्रमा तो यहाँ दिखा नहीं क्योंकि बहुत बादल हो रखे थे, लेकिन फिर मतलब मैंने अर्घ दे लिया था। फिर हमने अपना बस फ्रूट्स वगैरह खाकर, फ्रूट्स खाए थे और चाय पीकर मैंने अपना व्रत खोल लिया था। और फिर अब सुबह हो चुकी है, मैंने नहा लिया है और नहाने के बाद मैंने पूजा भी कर ली है। तो बस अब मैं जा रही हूँ जल्दी से ब्रेकफास्ट तैयार कर लेने। तो ब्रेकफास्ट में हमने सोचा कि हम गर्मा गर्म जल्दी से पकौड़े बना लेते हैं। और हमने सोचा है कि क्यों ना हम मैं सोच रही हूँ कि गोभी के और पनीर के पकौड़े हम बना लेते हैं, थोड़े से प्याज के बना लेंगे और साथ में बनाएंगे हम हरी तीखी मस्त वाली चटनी जो कि बहुत अच्छी लगती है पकौड़ों के साथ। तो बस मैं जल्दी से तैयारी कर लेती हूँ, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तब तक ले बाय। तो पकौड़ों में मैं बना रही हूँ यहाँ पे प्याज के पकौड़े, जिनका रेसिपी का ऐसे देने की जरूरत है नहीं क्योंकि सभी लोग बनाते ही हैं। तो यहाँ मैंने सिंपली प्याज को स्लाइसेस में कट कर लिया है, उसमें मैंने बेसन ऐड किया है और उसमें मैं नॉर्मल मसाले ऐड कर दूंगी, हल्दी, नमक और मिर्चा। हल्दी शायद आप क्या नहीं डालते होंगे या फिर डालते होंगे, शुभ मानी जाती है। तो हल्दी डाल दी है, मिर्च डाल दी है, रेड चिली और नमक डाल दिया है। आपके पास अगर ग्रीन चिलीज हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। हम थोड़ा सा धनिया पत्ती भी यूज़ करेंगे और बाकी ऐसा कुछ मैं गरम मसाला वगैरह नहीं डालूंगी। तो बहुत से लोग पसंद करते हैं बट मैं नहीं यूज़ करती हूँ। तो बस इस तरह धनिया पत्ती डाल के इसको अच्छे से, हल्का सा, ज़्यादा पानी नहीं जाएगा इसमें, हल्का सा पानी डाल के इसको मिक्स कर लेंगे।
तो यहाँ हमारा नाश्ता तैयार है, पनीर के पकौड़े, गोभी के पकौड़े, प्याज के पकौड़े, साथ में है तीखी तीखी चटनी और ये है थोड़ी सी स्वीट्स जो हम लेंगे आफ्टर ब्रेकफास्ट। तो ये है हमारा टेस्टी सा नाश्ता। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर जरा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा जिससे कि आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशंस आप सब तक पहुंच सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।